ये है दोस्तों रूपमंदा गोल्ड फेशियल किट, जो कि 5 स्टेप के अंदर आपको देती है एकदम रेडियंट एंड यूथफुल कॉम्प्लेक्शन। 5 स्टेप जो है वो यहाँ पे मेंशन है। इससे पहले मैं आपके लिए रूप मंत्रा का ही डायमंड फेशियल किट का एक रिव्यू और एक तरीके का डेमो दे चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये आपको स्मूथ सॉफ्ट स्किन देती है, स्पॉट्स जो होते हैं, बिलमिसेस जो होते हैं उन्हें रिमूव करती है, एकदम फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन जो आपको प्रोवाइड करती है। 75 ग्राम की पूरी किट ये आपको मिलती है 250 रुपये में और इसमें आप 2 से 3 फेशियल आराम से कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल हो जाती है। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर 5 अलग अलग जार जो है मिलते हैं। तो जब आप इसे ओपन करके देखेंगे तो इस तरीके से कुछ 5 जार मिलते हैं, जिनके ऊपर स्टेप 1 2 3 सारे स्टेप जो है मेंशन है और इसे यूज़ करने का तरीका जो है वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो सारे ही स्टेप बहुत ज़्यादा इजी हैं और आप इसे घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी फेशियल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आप कैसे फेशियल कर सकते हैं इसे यूज़ करते हुए। स्टेप दोस्तों इसके अंदर है क्लींजिंग मिल्क का, तो ये 15 ग्राम का जार है जिसके अंदर व्हाइट कलर का लिक्विड सा निकलता है। ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। ये जो है आपको देता है एकदम से स्मूथ सॉफ्ट और क्लियर फिनिश। तो इसे लगाना है आपको अपने पूरे फेस पे, 2 से 3 मिनट मसाज करना है सर्कुलर मोशन में एंड देन गीले कपड़े से या फिर पानी से इसे साफ कर देना है। इसके अंदर जो है दोस्तों आपको मिलता है हल्दी, चंदन, कुकुम्बर, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, जितनी भी डर्ट डस्ट होती है, टॉक्सिन होते हैं, उन सबको रिमूव करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और क्लियर फिनिश देता है। तो ये जो है इसका पहला स्टेप है। इसके बाद स्टेप आता है जो कि है यहाँ पे स्क्रब का। तो ये जो है आपका गोल्ड स्क्रब है, जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर हल्के हल्के से ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। आपको इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है एंड देन 5 से 10 मिनट सर्कुलर मोशन में इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगाना है। तो आप पहले अपने गालों पे लगाएंगे, देन अपनी चिन पे लगाएंगे, फोरहेड पे स्क्रब करेंगे अच्छे से। तो आप इसे स्क्रब करेंगे तो ये जो है जितने भी ब्लैक हेड्स हैं या फिर कोई भी डेड स्किन है उसको रिमूव करके आपको बहुत ज़्यादा यूथफुल अपीयरेंस देता है फेस को। इसके अंदर जो है वॉलनट है, जो कि क्रश्ड वॉलनट्स के बीन्स टाइप के हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े से हैं उसके। उसके बाद इसके अंदर है कुकुम्बर, आलमंड, जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और रिमूव करते हैं जितनी भी डस्ट वगैरह होती है उसे, डेड स्किन वगैरह जो होती है उसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस को अच्छे से करना है स्क्रब। आपको मसाज करना है बेसिकली हल्के हाथों से, कोई भी पार्ट अपने फेस का नहीं छोड़ना है जहाँ पे आप स्क्रब ना करें। आपको पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है, देन अपने चिन के पास में इस तरीके से आप करेंगे सीजर स्ट्रोक जो बोलते हैं, तो इससे जो आपकी जॉ लाइन होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली आपको 5 से 10 मिनट स्क्रब करना है, ज़्यादा नहीं करना है और ज़्यादा कर्रे हाथों से भी नहीं करना है, ताकि बस जो आपकी डेड स्किन है वही रिमूव हो और कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक बेसिकली फिजिकल एक्सफोलिएटर है जो जितनी भी डर्ट वगैरह होती है उसे रिमूव करता है। हल्के हाथ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा बहुत जो गुलाब जल होता है उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि ये आपके फेस पे आसानी से स्प्रेड हो जाए और जितनी भी डर्ट वगैरह है उसे रिमूव करके आपको दे एकदम यूथफुल कॉम्प्लेक्शन। थर्ड स्टेप दोस्तों आता है यहाँ पे मसाज जेल। ये गोल्डन कलर का मसाज जेल है जिसके अंदर आपको इस तरीके से लगता है जैसे गोल्डन फ्लेक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट है। अगेन इसे जैसे आपने लगाया था अपना स्क्रब उसी तरीके से लगाना है एंड देन अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करना है, आईज के पास, नोज के पास, चिन पे, सब पे इसे 5 से 10 मिनट मसाज करना है। देन कीले कपड़े से या पानी से इसे साफ कर देना है। इसके अंदर आपको मिलता है सैंडलवुड और मिलता है आपको एकदम से एक बहुत ही प्यारा जेल लाइक टेक्सचर इसका, जो कि आपके सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है और मिनिमाइज करता है स्किन के पिगमेंटेशन। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा मसाज जेल है, ओवरऑल आपको इसको लगा के बहुत अच्छा फील होता है। स्टेप दोस्तों यहाँ पे आता है ये आपका गोल्ड पैक। तो ये 15 ग्राम का टब है जिसके अंदर आपको एक मास्क टाइप का प्रेजेंट है, जिसमें आपको मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन, मिंट वगैरह प्रेजेंट है, जो कि आपके सनबर्न को रिड्यूस करते हैं, टैन को रिड्यूस करते हैं और स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें रिमूव करके आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ बनाते हैं। एक्सेस ऑयल जो होता है आपकी, अगर स्किन ऑयली है तो उसे भी कंट्रोल करके आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। आपको एक थिक लेयर पूरे फेस पे लगानी है एंड देन 15 से 20 मिनट बाद पानी से या फिर किसी गीले कपड़े से इसे साफ कर देना है। तो अगर आप गर्मियों में इसे लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मिंट प्रेजेंट है तो ये कूलिंग सेंसेशन देता है और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो ये है इसका 4th स्टेप। 15 से 20 मिनट बाद जब ये सूख जाएगा तो आपको एक गीले कपड़े से कुछ इस तरीके से साफ कर लेना है। पहले आप हल्के से लगाइए अपने पूरे फेस पर उस गीले कपड़े को एंड देन उससे अच्छे से अपने पूरे फेस को
पोंछ दीजिए और जितना भी आपका ये फेस मास्क है वो उससे रिमूव हो जाता है। अगर आप पानी वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इससे पानी कम वेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको अच्छे से क्लीन करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना है, तो आप ल्यूक वार्म वाटर या फिर नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसकी हेल्प से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। लास्ट स्टेप और जो कि फिफ्थ स्टेप है वो है नरिशिंग क्रीम। तो इसके अंदर आपको सैंडलवुड, आमंड, ऑलिव वगैरह प्रेजेंट हैं और ये आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसे बूस्ट करते हैं और डीप नरिशमेंट प्रोवाइड करके आपकी स्किन को इवन टोन बनाते हैं। आपको इसे पूरे फेस पे लगाना है और 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज करना है और उसके बाद आप अगर शाम के टाइम करते हो तो इसी तरीके से लगा के इसे सो सकते हैं, और अगर आप ये दिन में करते हैं तो मेक श्योर आप इसके बाद एक सनस्क्रीन जो है वो लगाइए। वो एक्चुअली मेरे को पर्सनली पसंद है और सही भी रहता है ताकि आपकी स्किन जो है बर्न ना हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट ना मिले। तो इस तरीके से आप इसे पूरे फेस पे लगाएंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने के लिए सर्कुलर मोशन आप प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने फोरहेड पे और अपने चिन पे सब जगह पे अच्छे से मसाज करके तब तक मसाज करना है जब तक ये एब्जॉर्ब अच्छे से ना हो जाए। तो 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी स्किन को देगी बहुत यूथफुल ग्लो। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी किट है और अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये महंगी भी नहीं है।